वर्मा। सबसे पहले हम माणिक वर्मा जी का परिचय देखेंगे। जन्म उनका 1938 उज्जैन में मध्य प्रदेश। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। उनकी प्रमुख जो कृतियां है वो देखो, गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि। ये जो गजल है, ये जो कविता है, इसमें क्या क्या कहा है ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। यहाँ पे माणिक वर्मा ने क्या कहा है हमसे कि जब हम जीवन बिताते हैं समाज में रहकर, संसार में रहकर, वहां पे हमारे जो कर्म है वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हमारे जो कर्म है वो अच्छे कर्म दूसरों के उपयोगी होने चाहिए या दूसरों के लिए हमें मदद करना, मतलब मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरे गजल में यही कहने की कोशिश की है। सबसे पहले हम पूरी गजल पढ़ेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीख के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल दो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, गजल मेरी इबादत है से। पूरी जो गजल है, इस गजल के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहते हैं कि हमें समाज में रहकर अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारा जब व्यवहार अच्छा हो तो मनुष्य भी जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं वो भी हमें उस अच्छाई से हमें क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, पहली जो लाइन है, पहले जो दो लाइन है उनका जो अर्थ है वो पहले सबसे हम देखेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, यहाँ स्वर्णिम का मतलब है सीने, सोने के रंग, स्वर्णिम। यहाँ स्वर्णिम का मतलब है सोने के रंग का, सोने के रंग का। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। यहाँ पे माणिक वर्मा जी कहना चाहते हैं जो मतलब जो भी शिखर, चमचमाता हुआ शिखर जो है उसे देखकर हर एक को मतलब आनंद होता है, प्रसन्न होता है। उसको देखकर हर एक व्यक्ति चाहता है कि उस चमचमाते शिखरों के समान हमारा भी सम्मान इस समाज में हो। मतलब क्या, जो शिखर हमें दिखाई देता है वो कैसा होता है, ऐसा मन
उनको देखकर, उन चित्रों को देखकर हमारे मन को क्या हो जाती है, शांति मिलती है या हमें आनंद मिलता है। ठीक उसी तरह से उसको जो सम्मान मिलता है समाज में, ठीक उसी तरह का सम्मान हमें भी मिलना चाहिए। ऐसे हर एक लोगों को क्या लगता है, हर एक लोगों की इच्छा होती है। यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं कि ये जो शिखर है वो शिखर का महत्व इतना बड़ा है कि जिनमें अभी उसका तो महत्व है ही, वो सुंदर तो दिखता है, लेकिन किसकी वजह से, जो उसके अंदर ईंट होते हैं, पत्थर होते हैं, उन्हीं की वजह से ये जो शिखर है वो बनते हैं और लोगों का मन जो है वो प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। सारा महत्व जो है वो शिखरों से ज्यादा किसको है, उन ईंटों को और पत्थरों को जो शिखरों के अंदर गुनगुना के अंधेरे में रहकर उन्होंने वो शिखर बनाया है। यदि ये जो ईंट है वो पत्थर है, अगर वो दोनों भी गुमनामी के अंधेरे में नहीं रहते या वो जो अंधेरा है वो स्वीकार नहीं करते तो ये शिखर ही नहीं बनते। इसीलिए इन शिखरों से ज्यादा किसको महत्व है, इन ईंटों को और पत्थरों को। ठीक इसी वजह से लोगों को क्या करना चाहिए कि समाज में रहकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, निस्वार्थ होकर। मतलब कोई भी स्वार्थ अपने आप में, अपने मन में नहीं पालना चाहिए, क्योंकि लोगों की वाहवाही मिलने के लिए या कोई लोभ के कारण हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इन ईंटों का और पत्थरों का यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है। समाज में रहकर कैसा रहना चाहिए, किसी भी लोभ या स्वार्थी बनकर हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। कुछ कुछ तो लोग क्या समझते हैं, यदि मैं किसी की मदद करूंगा तो जब मुझे कभी तकलीफ होगी तो वो भी मेरी मदद के लिए आएगा। ऐसा जो स्वार्थी भाव है वो अपने मन से निकाल देना चाहिए। इसीलिए ये माणिक वर्मा कहते हैं, कवि कहते हैं कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। मतलब ये जो चमचमाता हुआ जो शिखर है उसकी तरह बनने की बजाय अंदर की जो ईंट है, जो पत्थर है, उन्हीं के समान हमें बनना चाहिए। वो क्या करते हैं, अंदर रहकर वो अंधेरा सहन करते हैं, उन्हें बाहर आने की वो कभी कोशिश नहीं करते। उन्हें मालूम है कि जो हमारी वजह से शिखर बना है, उन शिखरों को देखकर लोगों का मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी तरह से हर एक व्यक्ति को, हर एक मानव को क्या करना चाहिए, इसी ईंटों की और पत्थरों की तरह बनना चाहिए। आगे की जो दो लड़ने वो देखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द मतलब धूल, गर्द यहाँ पे गर्द का मतलब है धूल। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हमारा बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किसी मील की तरह बनने की कोशिश करो। राह में चलता हुआ जो आदमी है वो क्या करता है, पत्थर थक कर पत्थर पे बैठ जाता है। ये जो पत्थर है वो क्या करता है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। कुछ न बोलकर सिर्फ एक ही जगह चुपचाप बैठे रहकर या खड़े रहकर लोगों को मार्ग दिखाता है, लोगों की सहायता करता है। ठीक उसी तरह मानव को भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे और एक बात कहने की कोशिश की है कि हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से पृथ्वी पर जब धूल उठती है, धूल इधर दृष्टि गोचर होती है, तब मानो ऐसा और लगता है कि किसी कार्य का जो महत्व है, मनुष्य जो कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है, उनकी भी चर्चा चारों तरफ हो जाए।
ठीक उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद कर सके अच्छे कर्मों के लिए। हमारा ये जो जीवन है ये कैसा है, मनुष्य जीवन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक दूसरों की मदद करते हैं, ऐसी मदद जो लोग क्या करते हैं, हम मतलब हम कहीं पे जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं तो जाने के बाद भी लोग हमें याद करते हैं, ऐसे बनने की कोशिश करो, ऐसा माइक वर्मा कहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, नील का भी हमें यहाँ उदाहरण दिया है, मतलब कैसा बनना चाहिए, पत्थर जैसा बनना चाहिए। पत्थर क्या करता है, न बोलकर भी राही को रास्ता दिखाता है, उसकी सहायता करता है। आगे की जो लाइन है वो देखो, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यहाँ पे माणिक वर्मा कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो मनुष्य जीवन है ये कैसा है, मतलब जब हम मनुष्य के जीवन में जन्म लेते हैं तब हमें विचार करने की शक्ति मिली है, ठीक है। अच्छे जो विचार है वो हमारे से दिमाग से बाहर निकलती है, ये जो विचार है वो दूसरों के काम आ सके, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। और ये मनुष्य जीवन मिला है उसी का उद्देश्य यही नहीं कि अच्छा दिखना हो या सजना संवरना सुंदर दिखना, इसका उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य क्या है कि हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्म है वो सुंदर होने चाहिए। ये जो दिखना होता है, सवरना होता है, ये क्या हो जाता है, अस्थिर होता है, मतलब ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। लेकिन हमारा जो कार्य होता है, जो भी अच्छे अच्छे कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, लोगों को याद रहते हैं। इसलिए ये जो माणिक वर्मा कहते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर निकले नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। हमें कैसे दिखना चाहिए, मतलब अंदर से हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए। किसी को तकलीफ में देखकर हमें क्या होना चाहिए, हमें भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, उसकी जो तकलीफ है वो दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आगे की जो लाइन है, जिंदगी की शक्ल जिसमें आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, दूसरों की तकलीफ समझ लेनी चाहिए। जैसे कि मोमबत्ती के साथ धागा होता है और ये जो मोमबत्ती होती है और ये धागा होता है वो क्या होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ जलते हैं, इसीलिए दोनों को तकलीफ होती है या दोनों को एक दूसरे की तकलीफ मालूम पड़ती है। ठीक मनुष्य को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जो कोई दीन दुबला आदमी हो उसकी जब तकलीफ हो, समस्या हो, तो वो समझने के लिए उसके साथ रहना चाहिए, उसकी तकलीफ जो है वो महसूस करनी चाहिए। ये कब संभव होगा, जब हम उस आदमी के, उस व्यक्ति के साथ रहेंगे, उसकी तकलीफ समझने की कोशिश करेंगे। अगर उसकी तकलीफ समझ में आती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जो अड़चन है, तकलीफ है, वो दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए ये कहते हैं माणिक वर्मा, कभी क्या कहते हैं कि तुम्हें कैसा बनना चाहिए, मोम की तरह बनना चाहिए, उस धागे की तरह बनना चाहिए जो एक दूसरे के साथ होते हैं। आगे की जो दो लाइन है वो देखो, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इसमें कवि कहने की कोशिश करते हैं कि जब हम जीवन संसार में रहकर जब हम जीवन व्यतीत करते हैं या हमारा जीवन क्या करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारी अड़चने आती है, बहुत सारी तकलीफ होती है, या जो तकलीफ है वो हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ये जो सारा अंदर
अंधकार होता है हमारे इर्द गिर्द बाजुओं में, अंधकार किसका, अड़चनों का, समस्याओं का। हमारा ये जो जीवन है वो कैसा है, एक चक्र व्यूह की तरह है। मतलब कि अंधेरे के बाद सवेरा होता है, फिर सवेरे के बाद अंधेरा होता है, ऐसा ये जो चक्र है वो हमारा हमारे इर्द गिर्द फिरता रहता है। इसी चक्र व्यूह में हम क्या करते हैं, अनेक जो समस्या है उनका जो सामना होता है वो डटकर करना चाहिए। इसीलिए कोई भी अगर रास्ता दिखाई नहीं देता है तो वो जुगनू की तरह बनना चाहिए। जो जुगनू क्या करता है, रात के अंधेरे में, सुनसान अंधेरे में भी वो एक रोशनी की चमक दिखाता है। उसको देखकर हर एक मनुष्य को क्या समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हर एक समस्या का, कहीं ना कहीं हर एक अड़चन का एक कोई ना कोई मार्ग दिखाई देता है या मार्ग होता है। कोई भी समस्या आए, कोई भी अड़चन आए तो क्या होता है, हर एक मार्ग तो होता ही है, एक ना एक मार्ग तो होता ही है। इसीलिए ये कभी कहते हैं तुम किसकी तरह बनो, उस जुगनू की तरह बनो, लोगों को थोड़ा सा भी प्रकाश देने की क्या करो, प्रयास करो, मदद करो, ताकि उसका जो मार्ग है वो सही से हल हो जाए। आगे की जो बची हुई कविता है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।